हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इफ़ यू वांट टू मेक अ प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल बैनर तो ये वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में हम यूट्यूब चैनल बैनर बनाना सीखेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, इस टाइप के मतलब कि प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल बैनर आपको बनाना सिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे सीखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हमें जो मतलब कि वो बैकग्राउंड चाहिए उसका बैनर का, तो यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इस एप्लीकेशन का नाम है पिंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको यहाँ पे करेंगे हम ओपन, ठीक है। आपके पास अगर ना हो तो आप प्ले स्टोर से वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर सर्च बार में लिखना है आपने यहाँ पर यूट्यूब बैनर विदाउट लोगो, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेना है इसको सर्च। ये जो ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ यूट्यूब बैनर विदाउट लोगो एंड टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने बहुत सारे मतलब कि वो बैकग्राउंड्स आर्ट वगैरह यहाँ पर आ जाएंगी, जिन पर मतलब कि कुछ भी ऐड नहीं होगा, पिक वगैरह या किसी का भी लोगो या टेक्स्ट वगैरह ऐड नहीं होगा। तो आप यहाँ से कोई सा भी मतलब कि एक जो है वो बैकग्राउंड यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड। हम यहाँ पे इसको करते हैं क्लिक, इसको करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर आप कोई सा भी कर ले, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं इसको क्लिक, इसको नहीं यार, बैक करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको क्लिक। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर कर लेंगे हम इसको थ्री डॉट पे क्लिक, थ्री डॉट पे क्लिक नहीं हुआ था, ये थोड़ा सा पैक कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करें, यहाँ पे इमेज डाउनलोड इमेज पे करेंगे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो है यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड जो है फ्री कॉपी विदाउट कॉपी पे कॉपी राइट है, ठीक है। तो यहाँ से इसको कर लिया डाउनलोड। अभी जो मेन चीज़ आती है एडिटिंग कैसे करें इसमें, तो यहाँ पर हम करेंगे इस पिक्सल लैब को ओपन, ठीक है। यहाँ पर करेंगे इसको ओपन। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे यहाँ पे कंट्रास्ट पे करेंगे क्लिक, और यहाँ पर इसकी जो इमेज साइज़ होगी तो यहाँ पर हम करेंगे यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल करेंगे इसको, ठीक है। इसको करने के बाद यहाँ पर आपने आ जाना है इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर नीचे। और यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ जाना है अपनी गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद आपने वहाँ से जो मतलब के इमेज डाउनलोड की बैनर के लिए यहाँ पर आपने वो ले लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी साइज़ जो है यहाँ पर आपने कर देनी है फुल, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से मतलब कि आपको वीआईपी कलर से नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम अभी इसकी कलर को इनेबल करेंगे तो यहाँ पर कलर्स भी और भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके कलर को और चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं इनेबल, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया हमारा प्रोसेस, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हम इसकी मतलब कि यहाँ पर एक इमेज मतलब कि अपना लोगो यहाँ पर ऐड करेंगे। लोगो ऐड करने के लिए फिर से यहाँ पर आपने आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। गैलरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने एल्बम में चले जाना है। एल्बम में जाने के बाद यहाँ पर आपने कोई सी भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसको इस पर क्रॉप वाले ऑप्शन पर लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस पर कर देना है क्लिक और इसकी साइज़ को कर देना है यहाँ पर आपने एडजस्टमेंट, ठीक है। जितनी भी आपको समझ में आए यहाँ पर इसको कर देना है एडजस्ट। इसको एडजस्ट करने के बाद आपने आ जाना है इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पर स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे आना है। स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे आने के बाद इसको कर देना है इनेबल, ठीक है। तो यहाँ पर इसके वाइट कलर को सिलेक्ट करके इसकी जो रेशियो है इसको कर लेंगे हम यहाँ पर ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पर इसको करेंगे बैक। अभी यहाँ पर आ जाएंगे हम बैक, तो यहाँ पर शेडो वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है, इसको कर देना है इनेबल, ठीक है। वाइट पर क्लिक करके यहाँ पर इसकी थोड़ी सी साइज़ आप जो है यहाँ पर इसको कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और इसकी एफर्ट्स यहाँ पर ऑफसेट पे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अभी प्यारा लग रहा है, नीचे करें या ऊपर करें ये मतलब कि अभी बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर इनर शेडो पे करेंगे क्लिक और यहाँ पर इसको भी कर देंगे इनेबल, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करेंगे हम ब्लैक में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर रखेंगे और इस पर जो ऑफसेट है इसको थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करेंगे क्लिक। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है टेक्स्ट ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे करेंगे क्लिक। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम टेक्स्ट, टेक्स्ट पे डबल टाइप करेंगे। डबल टाइप करने के बाद यहाँ पर आपने लिख देना है नाम, ठीक है। आपके चैनल का कोई सा भी नाम है वो यहाँ पर लिख देना है, तो ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम, हाँ जी,
ठीक है, तो यहाँ पर कर देना है इसको एडजस्ट। तो यहाँ पर चले जाना है बैक, इस पर ए वाले ऑप्शन पिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने फाउंड वगैरह को यहाँ पे स्टाइल पे करना है। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद बी पे क्लिक करना है। बी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाउंड में चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई सा भी फाउंड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाला लेता हूँ। ठीक है, ये वाला लेने के बाद यहाँ पर करते हैं इसको क्लिक। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कर लेंगे इसको एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा बढ़ा के इसको कर लेंगे यहाँ पर एडजस्ट। उसके बाद हम अगर इसका कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे इतना सा, और एक काशिप जो रहेगा वो वाइट में ही रहेगा, और इसका कलर हम कर देंगे यहाँ पर इधर करके यहाँ पे इसको करेंगे ग्रीन। ठीक है, तो ये अभी बहुत ही मतलब ये प्यारा लग रहा है। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर फ्रॉम गैलरी में। ठीक है, फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद यहाँ पर फिर से करेंगे इस पर क्लिक, इस पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे अदर पे क्लिक। अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जो यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकन होंगे तो यहाँ पर उनको कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इनको रखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इनकी साइज़ आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है, और यहाँ पर फिर से आ जाना है यहाँ पर टेक्स्ट पे। ठीक है, टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है, फॉलो हेयर। ठीक है, इसको यहाँ पर कर देना है ओके। ओके करने के बाद इसकी साइज़ जो है यहाँ पर आपने कर देनी है एडजस्ट, तो जो भी आपको समझ में आए जितनी साइज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी जो है स्टाइल को करेंगे सिर्फ चेंज, यहाँ पर हम इसको मतलब कि वो नहीं करेंगे, जो करते हैं फाउंड वगैरह इसका चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कर लेंगे यहाँ पर एडजस्ट। एडजस्ट आप मतलब कि अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको इतना सा रखता हूँ, और यहाँ पर हम इसका करेंगे कलर को चेंज। ठीक है, यहाँ पर कलर पे क्लिक करते हैं। कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉलो जो होगा यहाँ पर हम इसको कर देते हैं रेड। ठीक है, और यहाँ पर मी वाला जो ऑप्शन है तो यहाँ पर इसको कर देते हैं ब्लैक। तो यहाँ पे सही अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर इसको कर लेंगे हम ये वाला कलर। ठीक है, तो ये वाला वाइट ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना सा मतलब कि करने के बाद आपने इसको कर लेना है एडजस्ट। तो ये सब इतना सब करने के बाद यहाँ पर आप जाना है प्लस वाले आइकन पे। प्लस वाले आइकन पे जाएंगे फ्रॉम गैलरी में। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद यहाँ पर करेंगे क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर करते हैं बैक। बैक करने के बाद हम यहाँ पर आइडियो बुक पर जाएंगे और यहाँ पर ये वाली चीज़ ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने इसको रख लेना है यहाँ पर। ठीक है, ये तो कहीं इतना प्यारा लग रहा है अभी। ठीक है, इसको कर लेना है, और यहाँ पर इसको आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करेंगे हम कॉपी। कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पे भी ये लगा लेंगे, और फिर से यहाँ पर हम करेंगे इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पे नीचे भी लगा देंगे। ठीक है, फिर से इसको ही करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इससे यहाँ भी लगा लेंगे। ठीक है, तो आप अभी देख सकते हैं कि आपका मतलब कि बैनर जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा बहुत ही प्यारा मतलब कि लग रहा है। अभी यहाँ पर हम यूट्यूब का आइकन यहाँ पर करेंगे ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम गैलरी में जाएंगे, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे इस पे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर YouTube वाला आइकन जो है यहाँ से हम ले लेंगे। ठीक है, इतना सब लेने के बाद यहाँ पर इसको कर लेना है यहाँ पर एडजस्ट। ठीक है, जो जितना आपको समझ में आए तो उसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, और यहाँ पे इसको कर लेना है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर आ जाना है इस वाले आइकन पे, और यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक करना है। स्टॉक पे क्लिक करने के बाद इसका रेडियस जो है इसको सब बिल्कुल सी जीरो कर लेना है, और यहाँ पर आ जाते हैं नीचे नीचे यहाँ पर शेडो वाला ऑप्शन होगा। शेडो वाले ऑप्शन पे यहाँ पर इसका थोड़ा सा ये बढ़ा लेंगे। ठीक है, वाइट पे करके तो इसका ये वाला बहुत बढ़ा लेंगे, और इसकी ग्लोइंग भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, और यहाँ पर इस पर इसको 30 करते हैं, और यहाँ पर इसको कर लेते हैं हम 3-3। ठीक है, और यहाँ पर इनर शेडो पर करते हैं क्लिक। इनर शेडो पर करने के बाद यहाँ पर फिर से कलर वाइट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इसको करेंगे यहाँ पर। ठीक है, वाइट वाला बिल्कुल ही आप ही बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे ये भी। तो ये देख सकते हैं मतलब कि थंबनेल बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अगर इसको सेव करना चाहें तो यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज पे क्लिक करने के बाद इसको HD क्वालिटी में सेव करना है तो यहाँ पर PNG पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपने इसकी क्वालिटी यहाँ पर क्वालिटी फॉर्मेट ठीक है यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करें, और यहाँ पर अल्ट्रा पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी मतलब सेव टू गैलरी पे क्लिक करेंगे, तो मतलब कि आपका जी ये बैनर बनके हो गया तैयार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।